एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी कोमल एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे सीटीज में, डीएचएस में, एंड सेमेस्टर में किस तरीके से मार्क्स वो लोग देते हैं एंड क्या प्रोसीजर होता है। सो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 200 मार्क्स का वन सब्जेक्ट होता है जिसमें डीएचए, सीए, सीटी एंड एडिशनल असाइनमेंट एंड एंड सेमेस्टर होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को सीटीज के बारे में बता देती हूँ। आपके सेमेस्टर में दो सीटी होते हैं। सीटी क्लास टेस्ट होता है, इसका प्रोसीजर सेम एग्जाम जैसा होता है, 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। एंड एक सेमेस्टर में आपके दो सीटी होते हैं, सीटी वन एंड सीटी टू। सीटी वन और सीटी टू में से दोनों में से कोई एक के मार्क्स ही काउंट होते हैं, जो भी आपके जिसमें आपके अच्छे आए होंगे। अगर जैसे कि आप समझ के चलिए कि 40 मार्क्स का सीटी है, अगर आपके सीटी वन में 30 मार्क्स आए हैं एंड 35 आए हैं सीटी टू में, तो एंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट बनेगी तो वो सीटी टू के मार्क्स काउंट होंगे, क्योंकि आपके सीटी टू में मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो आप लोगों को सीटीज के बारे में तो पता चल गया होगा कि सीटी क्या होता है। देन मैं आपको बताती हूँ एंड सेमेस्टर। एंड सेमेस्टर एक मेन एग्जाम होता है, ये 50 मार्क्स का इसका पेपर होता है। लास्टली जब सेमेस्टर एंड होने वाला होता है तो आपका ये एग्जाम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि 50 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर हो गया, 40 मार्क्स का सीटी हो गया, तो यहाँ पे 90 मार्क्स कवर हो गए। देन मैं आप लोगों को बता देती हूँ एडिशनल असाइनमेंट। जो एडिशनल असाइनमेंट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पर कि आपका कोर्स प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरेटिकल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैम ना एडिशनल असाइनमेंट देती हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल होगा तो आपको थ्योरी वाइज आपको कोई भी फाइल बनाने के लिए देंगी आपके कोर्स से रिलेटेड। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कवर होते हैं हमारे 110 मार्क्स। देन आपके 90 मार्क्स बचते हैं। तो 90 मार्क्स में से क्या होता है ना कि आपके 20 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, ठीक है, अटेंडेंस के होते हैं, एंड 70 मार्क्स जो भी होते हैं आपके वो आपके डीएचएस एंड सीएस के होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ डीएचए क्या होता है। डीएचए होता है डेली होम असाइनमेंट। जैसे कि आप समझ लो, भी मैंने क्लास में पढ़ा है, उसके लिए ही सेम क्वेश्चन मैम आपको डीएचए में देती हैं, जो आपको घर से करना होता है। आप किसी से भी कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं। उनका मतलब ये होता है कि आपको जो भी समझ में आया है आप उसको अच्छे से रिटन करो। ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है एंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का आप वो आपको दे रही है। अगर 5 मार्क्स का दे रही है तो उसके हिसाब से लिखिए, आप थोड़ा कम लिख सकते हैं। अगर 10 मार्क्स का दे रही है तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए। चैट जीपीटी पे बहुत अच्छे कॉन्टेंट्स आते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप अगर जो भी आपने क्लास में पढ़ा है अगर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं डीएचए में, तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। एंड गाइज, ये मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने डीएचए देना चाहती हैं एंड सीएस लेना चाहती हैं। सीए का मतलब होता है क्लास असाइनमेंट। ये टेस्ट की तरह है कि आपको अपनी क्लास में एक टेस्ट मैम दे रही है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करें, कुछ भी करें, या तो वाइवा भी हो सकता है या फिर वो रिटन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है मैम के ऊपर ही। तो इसमें आपके मार्क्स कवर हो जाते हैं जो भी आपके 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सीए एंड डीएचए में आपके 70 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 20 मार्क्स एडिशनल असाइनमेंट होता है, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है एंड 40 मार्क्स का आपका सीटी होता है। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय गाइज़।